हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी के बलिया में 500 लोगों की भीड़ पर गोली चलाने का आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू वारदात के दो दिन बाद भी फरार है। यूपी सरकार ने धीरेन्द्र सिंह की जानकारी देने पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी कर दिया है। इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होगी, सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगेगा, ये साफ कर दिया गया है। लेकिन बलिया का बवाली अभी फरार है, पुलिस के हाथ नहीं आया है और इसी को लेकर पुलिस ने 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। हमारे सहयोगी रणवीर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, अब तक पुलिस के हाथ खाली और 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान? जी बिल्कुल, बलिया पुलिस पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि पहले तो उसने आरोपी को छोड़ा, उसके बाद अब इतने घंटे बीतने के बाद भी अब तक वो उसको पकड़ नहीं पाई है, तो अब हर तरीके अपनाए जा रहे हैं और इसी वजह से उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ है। साथ ही साफ किया गया है कि एनएसए और गैंगस्टर जैसी धाराएं लगाई जाएंगी, उससे कार्रवाई होगी। और ये बलिया पुलिस के लिए इसलिए अब एक चुनौती बन गया है क्योंकि लगातार ये राजनीतिक मामला बनता जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आएगा और साथ ही जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमले कर रहा है, तो ऐसे में अब बहुत बड़ा दबाव है और इसी वजह से जो दो भाई हैं जो आरोपी के, उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों से पूछताछ जारी है और 5 ऐसे और भी लोग हैं जो अज्ञात की श्रेणी में आते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया, यानी 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन जो 8 नामजद लोग हैं, 8 नामजद लोगों में से 6 लोग अब तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं, जिसमें धीरेन्द्र भी शामिल है। बिल्कुल, 6 लोग अब तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। बेहद शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए।